अजमेर जिले की ग्राम पंचायत सरादना के सरपंच हरिकिशन जाट को 10 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करने की साजिश में गिरफ्तार हुए आरोपी प्रहलाद प्रजापत एवं पिंटू व अनिल के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर अजमेर जिला सरपंच संघ के साथ सरादना के ग्रामीणों ने आज अजमेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। अजमेर जिला सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष हरिराम बाना, प्रदेश मुख्य महामंत्री शक्ति सिंह रावत, सरपंच तबीजी राजेंद्र गैना, पूर्व सरपंच सरादना मधु परोदा के साथ सरादना ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने अजमेर पुलिस अधीक्षक से कठोर कार्रवाई की मांग की है। सरादना के सरपंच हरिकिशन जाट के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया, सरादना के पूर्व सरपंच द्वारा सुपारी दी गई और उसके खिलाफ में जो षड्यंत्र करके कार्रवाई की गई और उसके पूर्व में पिछले महीने रामगंज पुलिस थाने द्वारा उन मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था और रामगंज थाने ने उनके खिलाफ केवल और केवल मात्र आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी जांच अधिकारी को अवगत कराया, उसके बाद नजरअंदाज किया और इनकी जानकारी जब ग्रामवासियों को मालूम पड़ी, पुलिस थाना मांगले आवास में मुकदमा दर्ज कराया और दोषियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। यदि इस घटनाक्रम के बीच में सरपंच साहब के साथ में यदि कोई घटना कारित होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता, इसके विरुद्ध में हम आज जिला पुलिस अधीक्षक को यह ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं कि उन दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। शक्ति सिंह रावत, सरपंच रामगंज थाने में जब पता चल गया था कि भाई उन लोगों ने जो इसमें मुजरिम थे उन्होंने सारा बता दिया था कि भाई रामगंज थाने में कि हमें किसने यहाँ ये बंदूक दिलवाई है, पिस्टल दिलवाई है, तो भी रामगंज थाने वालों ने उसको मामले को दबा के और खाली आर्म्स एक्ट में कर दिया। अगर इस बीच में वो मुलजिम छूट भी गए, अगर इस 15-20 दिन के बीच में अगर इस हमारे पता चल गया, अगर इसको कुछ हो जाता तो क्या होता, गांव वालों को तो परसों पता चली थी ये बात। मैं सरादना सरपंच हरिकिशन जाट, मेरे खिलाफ जो रंजिश रची गई, मेरे सामने जो प्रत्याशी प्रहलादी प्रजापति इलेक्शन हारे 2020 में, उन्होंने दो हमारे गांव के दो व्यक्तियों को सुपारी देकर मेरे को मारने की डराई और उसको पिस्तौल भी डराई और वो सारी चीज मेरे खिलाफ रंजिश रची गई। उनको पूर्व माह में फरवरी माह में रामगंज पुलिस ने भी गिरफ्तार किया। उन्होंने अभी बताया कि हमने ये जानकारी रामगंज पुलिस को भी उस टाइम अप्रूव किया थी कि हम सरादना सरपंच हरिकिशन जाट को मारने के लिए पिस्तौल फैला थी, प्रजापत में हमारा जो दरवाई है और 10 लाख दो मकान में हमारे और उनके बीच में सौदा हुआ है, फिर भी रामगंज पुलिस ने उनको पूरे मामला को दबाते हुए साठ गांठ करते हुए मेरी जान को न समझते हुए मेरे को मराने की रंजिश में वो शामिल हुए हैं और उनको उल्टे कुछ बयान चेंज करा के उनको मामले को रफा दफा करने पर रह गए हैं। दूसरी चीज, फिर गांव में उनको जमानत होने पर कुछ लोगों को उन्होंने बताया कि मैं तो हरिकिशन जाट सरपंच को मारने के लिए पहलाजी ने ये चीज कराई हमारे को, पर वो गई और अब दूसरी तो कुछ लोगों से मेरे को जानकारी मिली कि आपके खिलाफ ये रेजिडेंसी रखी गई है। फिर मैं मेरे गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों को और समझदार लोगों को बात बताई तो उन्होंने बैठ के और उनके पूरी बात का निचोड़ काट के मांगलेवास थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। फिर वहां पर उन्होंने गिरफ्तार करने पर उन्होंने कबूल भी की और उन्होंने ये भी बताया कि ये चीज़ तो हम रामगंज थाना को बता चुके थे, ये बयान चेंज किया तो पहलाजी प्रजापत और उनका भाई सुधन चंद जी प्रजापत ने वहाँ रामगंज थाने में आके और वो ये बयान पलटे हैं। और हमारे को जानकारी मिली है कुछ लोगों से कि सरादना हाईवे पर एक दिन शाम के टाइम दो फाइल्स होटल पर दो रामगंज पुलिस वाले सिविल ड्रेस में पहलाजी प्रजापत और सुधन चंद जी प्रजापत और मामले वास्ते पूर्व सरपंच छगन प्रजापत ने ये सांड गांड करके और इस मामले का बयान और करके और जो भी रामगंज थाना से उन्होंने क्या सांड गांड करके सारा फर्नीचर बदला। मेरा नाम हरिकिशन जाट, मैं वर्तमान सरादना सरपंच।